परमार वंश के राजा उदयादित्य के प्राचीन महल पर निजी संपत्ति का लगाया बोर्ड। कुछ लोगों के द्वारा इस महल के मुख्य द्वार पर निजी संपत्ति का लगाया बोर्ड। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने हटाया बोर्ड। पुरातत्व विभाग एवं इतिहासकारों की अनदेखी से जीर्णहीन हुआ 10वीं शताब्दी का महल। जी हां, क्षेत्र के ग्राम उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा उदयादित्य के द्वारा 10वीं शताब्दी में कराया गया था। कहा जाता है कि राजा उदयादित्य के द्वारा ही उदयपुर नगरी बसाई गई थी, जिनके अधीन 300 से अधिक गांव आते थे। लेकिन अब राजा उदयादित्य द्वारा बनवाए गए नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन 10वीं शताब्दी में ही निर्मित राजा का प्राचीन महल अब विवादों में पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोपाल निवासी एक व्यक्ति के द्वारा इस महल के मुख्य द्वार पर निजी संपत्ति का एक बोर्ड लगा दिया गया। हालांकि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद क्षेत्र के नायब तहसीलदार दोजीराम अहिरवार के नेतृत्व में पूरा राजस्व अमला ग्राम उदयपुर पहुंचा और फिर बोर्ड वहां से हटा दिया गया। नायब तहसीलदार ने मीडिया को बताया कि वह भूमि राजस्व विभाग के दस्तावेजों में शासकीय है और पुरातत्व विभाग की है। दूसरी ओर पुरातत्व विभाग एवं प्रशासन की अनदेखी के कारण जीर्णहीन हुआ 10वीं शताब्दी का महल। ग्राम उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के अलावा कई दार्शनिक स्थल केंद्रीय एवं राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन हैं, लेकिन विभाग की अनदेखी कहें या लापरवाही, एक दो स्थानों को छोड़ दें तो इस नगरी की ओर पुरातत्व विभाग का ध्यान नहीं। 10वीं शताब्दी में निर्मित इस ऐतिहासिक और प्राचीन राजा का महल आज कब्जा और दुर्दशा को प्राप्त होता जा रहा है। आज भी इस महल में कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। इंडिया खबर लाइव से चर्चा में नायब तहसीलदार दोजीराम अहिरवार ने बताया कि यह शासकीय भूमि है, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ये भूमि पुरातत्व विभाग के नाम पर दर्ज है। विदिशा से एलन श्रवे की एक रिपोर्ट। ग्राम उदयपुर के लिए पुरातत्व की भूमि थी, उस पर जो है निजी बोर्ड लगाने संबंधी सूचना मिली। एसडीएम साहब ने मेरे को बताया, मैं आज मौके पर गया, मैं वहाँ पहुँचा तो इसके पहले जो है वो बोर्ड हट चुका था। तो वहाँ अंदर जो है उसमें काजी वगैरह कोई रहते हैं, स्कूल भी संचालित है, उन लोगों को हिदायत दी हमने। अभी तो वर्तमान में कोरोना की वजह से बंद है, परंतु उनको आगे भविष्य में चलाने के लिए मना दिया है। इसके अलावा पुरातत्व की भूमि है, उसे पुरातत्व का बोर्ड भी लगवाया जाएगा। क्या मदरसा संचालन? हाँ, मदरसा अभी वर्तमान में नहीं है, पर पहले था। लेकिन सर वो उसके रहा है ये पूरा मामला सर। अब उन लोगों का कहना तो ये है, मैंने उनसे पूछा था भाई आप लोग क्यों रह रहे हो, साहब हमारा जो है पूर्व से पहले से चले आ रहे हैं और हम इसी जगह पर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। तो हमने बोला भाई तुम जो है अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करो, किस आधार पर रह रहे हो, हमारे राजस्व रिकॉर्ड में ये जो है शासकीय आबादी के नाम से दर्ज है, अब आप किस आधार पर आप यहाँ आने वाले रहते हैं, इसके आप दस्तावेज। हाँ, पुरातत्व विभाग के।